हेलो दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आज इस वीडियो में डिविडेंड डिटेल्स बताएंगे और कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सब आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। शेयर प्राइस के बारे में बताएंगे और बिजनेस फंडामेंटल्स, ये सब चीजें डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि ये स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तो कोचिन शिपयार्ड का डिविडेंड होने जा रहा है ₹9 पर शेयर का। तो दोस्तों, ₹9 का डिविडेंड दे रही है और अभी अगर आप देखें तो ये 2% से थोड़ा ज्यादा का ये डिविडेंड यील्ड हो रहा है, 2 से 2.5% के बीच में हो रहा है। दोस्तों, अभी ये 380 के प्राइस के बेसिस पर मैं बता रहा हूं आपको। इंपॉर्टेंट डेट जो जानकर रखनी है वो है January 14, जो कि रिकॉर्ड डेट है, गुरुवार का दिन है, और पेमेंट इसका हो जाएगा February 2 या उससे पहले। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये 2-2.5% का डिविडेंड तो बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और न्यूज दे दें, ₹15 का डिविडेंड, ₹15 का डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है सितंबर के महीने में, सितंबर 2020 में। तो वो ₹15 और ₹9, ₹24 को अगर आप ऐड करें तो डिविडेंड यील्ड 6% के थोड़ा सा नीचे ये बैठती है। ये तो मैं बहुत ही लेटेस्ट के डेटा बता रहा हूँ, जो कैलेंडर ईयर जो है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वो ₹15 का जो डिविडेंड था 2020 में मिला था और अभी का जो डिविडेंड है। अब बाकी के इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताते हैं। कंपनी का जब आईपीओ आया था तो स्टॉक प्राइस ₹500 के भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, जो आप देख सकते हैं ये अक्टूबर नवंबर के महीने में 2017 की हम जब बात कर रहे हैं। दोस्तों, आईपीओ पर अभी थोड़ी देर में और डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस में एक आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे ही गिरा हुआ है। देखिए, ये जो नीचे गया है उसके बाद देखिए मार्च 2019 तक स्टॉक प्राइस 350 तक चला गया था और उसी लेवल पर ये देखिए, ये जो लेवल है 350 और 400, ये लेवल तक बहुत बड़े समय पर ये था, मतलब 2019 पूरा लगभग इसी लेवल पर था। फिर मार्च के महीने में तो ये पैनिक आता है और सब स्टॉक ये गिरते हैं, लेकिन मार्च के बाद ये स्टॉक फिर से अच्छे खासे मूवमेंट में है। अभी देखिए 300 और 380 ये जो लेवल है पिछले हम कह सकते हैं 5 महीने से, अगस्त से लेकर ये लेवल पर स्टॉक है। लेकिन क्या स्टॉक और ऊपर जाएगा, तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स जानना जरूरी है, वो हम आपको बताएंगे। और अब कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। इसी पॉइंट पर हम फोकस कर रहे थे दोस्तों, जब लिस्टिंग हुई थी अगस्त 2017 में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। ₹432 का स्टॉक का जो गवर्नमेंट ने जो ऑफर किया था, 76 टाइम्स टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ था। रिटेल ने भी बहुत अच्छा यहां पर उत्साह दिखाया था, 8.5 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब हुआ था और स्टॉक 522। लेकिन ये जो 522 उस लेवल तक और थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर गिरा था, बढ़ा था इनफैक्ट, लेकिन उसके बाद से स्टॉक वो वाला जो मोमेंटम है उसको नहीं पकड़ पाया है। हमने 2018 में देखा है स्टॉक बिल्कुल फ्री फॉल हुआ है, 2019 में भी देखा है कि स्टॉक गिरा हुआ है, उन्होंने एक रेंज पकड़ के रखी थी। लेकिन बिजनेस में क्या है वो जानना जरूरी है कि आपको भी एक आइडिया लगे कि स्टॉक आगे बढ़ सकता है या नहीं। देखिए, बिजनेस के हिसाब से मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ कि इसका जो प्राइस अर्निंग जो है अभी 10.7 के पास है, तो अप्रोक्सीमेटली 11 का ये प्राइस अर्निंग रेशियो है। अब आपको सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 साल की 9% है, 5 साल की 17% है। प्रॉफिट देखिए, 10 साल का 9% है, 5 साल का 56% का प्रॉफिट है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 17% है और 5 साल का 16% है। अब दोस्तों, ये चूंकि 2017 में ही इसका लिस्टिंग हुआ है तो फिर बहुत ज्यादा वो वाला डेटा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको एक चीज का आइडिया यहाँ पर जो आ रहा है, इंपॉर्टेंट आइडिया कि कंपनी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। अब देखिए 3 साल में किस हिसाब से स्टॉक की पिटाई हुई है। देखिए, सेल्स ग्रोथ 18% बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा है 26%, लेकिन स्टॉक का भाव नहीं बढ़ा है। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कांस्टेंट है 16% के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा लग रहा है कि ये मिसमैच है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन कम में है। ये देखिए 10-11 का वैल्यूएशन है लेकिन स्टॉक नहीं चल पा रहा है। एक रीजन इसके लिए ये भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें शेयर है और गवर्नमेंट कंपनियां पिछले 3-4 सालों में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, पीएसयूज बहुत ज्यादा नहीं चले हैं। चाहे वो आप एनटीपीसी की बात करिए, कोल इंडिया की करिए, ओएनजीसी की करिए, या फिर दूसरी भी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं
उनकी भी देखिए, तो बहुत एक IRCTC एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है जो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी PSU उस कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि गवर्नमेंट के जो टारगेट्स है, गवर्नमेंट का जो फोकस है, तो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं 2021 में अच्छा करेंगी। और कोचिन शिपयार्ड के पास भी आज जो ऑर्डर बुक है बहुत ही मजबूत है। INS का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नेवी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिला हुआ है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट जो डायरेक्शन अगर इन्वेस्टर के लिए, देखिए ये तो डिविडेंड की हमने बात की, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में हम अगर बताएं तो Q3 जो होगा वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। जब Q3 में आपको आइडिया आएगा कि इसका रिजल्ट कैसा हो रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, जो देसी कंपनी है, जो उनकी खुद की कंपनीज है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले, तो वो एक फायदा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो कोचिन शिपयार्ड को आने वाले दिनों में मिलेगा। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड कंपनी पर आपके व्यूज का बिल्कुल इंतजार रहेगा। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको सीखने को मिला होगा। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।